हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मम्मी की टेस्टी रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स मसाला पापड़ कोन चाट। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, झटपट तैयार हो जाती है। वीडियो को पूरी देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला पापड़ कोन चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ के कोन रेडी करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक आयरन का तवा लिया है, तवे को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक पापड़ रखेंगे। पापड़ को फ्रेंड्स हमें थोड़ा इस तरह से किसी भी एक किचन टॉवल की हेल्प से इस तरह से हिलाते हुए अच्छी तरह से सेक लेना है। थोड़ा सा दबाकर अच्छी तरह से हम पापड़ को सेक लेंगे दोनों तरफ से। फ्लेम को फ्रेंड्स मैंने मीडियम रखा है। एक बार तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और जैसे ही आप पापड़ रखे उस टाइम फ्लेम को मीडियम कर ले। थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे सेक लेंगे जिससे कि हमारा पापड़ बिल्कुल अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए हमारा पापड़ बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गया है। बस अब हम इसे तुरंत ही कोन की शेप दे देंगे। एक और बनाते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स पापड़ सिक जाए इसका तुरंत ही हमें कोन बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो पापड़ है वो थोड़ा क्रिस्प हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी पापड़ के कोन बनाकर रेडी कर लिए हैं। इन्हें फ्रेंड्स अब एक तरफ रख देते हैं और स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स एक बाउल लेंगे। बाउल में फ्रेंड्स मैं एक छोटा बाउल मैंने सेव ली है, इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें फ्रेंड्स एक बड़ा टमाटर जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है उसे भी मिला लेंगे। इसमें ऐड करूंगी दो बारीक कटी हुई प्याज, मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है उसे भी मिला लेंगे। एक मैंने फ्रेंड्स मिर्च ली है जिसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है उसे भी मिला लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून इमली का पानी, 1 टीस्पून नमक। नमक फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमारी सेव में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम डाला है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और अब लास्ट में फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 नींबू का रस। सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लिया है, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। आइए मसाला पापड़ कोन चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कोन लेंगे और उसमें अपनी स्टफिंग फिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला पापड़ कोन बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे फ्रेंड्स हम थोड़ा सा सेव से गार्निश कर देते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला पापड़ कोन बनकर बिल्कुल रेडी है। आइए इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। एक और बनाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाला पापड़ कोन बनकर बिल्कुल रेडी है। लग रहे हैं ना फ्रेंड्स एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।